प्यार और दोस्ती में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोस्ती क्या है कि किसी के साथ में आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है। जैसी दोस्ती जब तक है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बताना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जब तक दोस्ती होती है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जैसी दोस्ती पर ठप्पा लग जाता है रिलेशनशिप का कि अभी हम दोस्त हैं, अब हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखूंगा, तेरे ही बारे में सोचूंगा, तेरे साथ में ही रहूंगा, 24 घंटे तेरा ही सर खाऊंगा और तू भी यही करेगी, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यार है। अरे टट्टू प्यार है। कमिटमेंट को हम प्यार समझते हैं। कमिटमेंट प्यार होता है क्या? अरे पागल हो क्या? इतना इतना अकल नहीं है कि कमिटमेंट मतलब क्या? हम कह रहे हैं कि सिर्फ तू मेरा है, मैं तेरी हूं। ये कमिटमेंट प्रैक्टिकल है क्या? किसी और को देखोगे तो कुछ होगा नहीं क्या? अंदर होगा लेकिन हम झूठ बोलेंगे, नहीं ये नहीं हो रहा है। क्या नौटंकियां चल रही है? दोनों नौटंकियां करेंगे, वो छुप करके उधर देख रहा होगा, वो छुप करके उधर देख रही होगी और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को हम प्यार समझते हैं। तो दैट विच लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट लव। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार व्यार तो कहीं है ही नहीं, कमिटमेंट है। और कमिटमेंट करते ही क्या होता है? बंध जाते हैं दोनों आपस में। जहां बंध जाते हैं और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो दैट लीड्स टू अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दूसरे को पोजेस करने की कोशिश करी जाएगी, वहां पे जेलसी होगी, बहुत तगड़ी जेलसी होगी। किसी और की फोटो तक लाइक कर दी तो गए, हो गया काम। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या कमिटमेंट जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट किस लिए जरूरी है? और कमिटमेंट का प्यार से क्या कनेक्शन है? प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है कमिटमेंट का। कमिटमेंट किस लिए जरूरी है? इस सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। बट अब एक बड़ा मजेदार यहां पे एंगल है, वो आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। जिसको देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके लिए एक ही काफी है, खुद को देखना है। तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ आप इनको देखोगे, कुछ पंछियों को देखोगे, चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लग रहा है अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जा करके रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको देखना आता है, यानी कि हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूं। कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। सही। जिसको समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है और जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि दो कैमरा आमने सामने रखे हुए हैं, इधर एक कैमरा है, इधर एक कैमरा है, और जो देखने वाला है वो हर जगह है, स्पेस की तरह, जैसे स्पेस हर जगह है। तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है, लग रहा है कि मैं ये हूं, क्योंकि ये फीमेल कैमरा है, ये मेल कैमरा है, कैमरा मेल और फीमेल है। देखने वाला, सुनने वाला, फील करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला, वो मेल फीमेल नहीं, वो एक ही है। तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं, इस मिलने को प्यार कहते हैं। अगर इस तरह से एक्चुअल में आप मिलो तो, अभी एकदम से नहीं होता है। नाउ व्हाट यू वांट इज, ये सारी बातें सुनी, एकदम से गए और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि सड़क पे कोई लड़की दिखी उसको जाकर के बोलना शुरू कर दिया कि चल ट्राई करके देखता हूं जो बंदे ने बात करी, तू भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। थप्पड़ भी मैं हूं, गाल भी मैं हूं, सब मैं हूं। बहुत पिटाई होती है ऐसे बंदे में। पहले प्रॉपरली समझना, फिर आगे कुछ करना। जैसे आपके जो दांत है, अगर वो आपकी जीभ को काट दे क्या करते हो? तोड़ते हो अपने दांतों को? एनीबॉडी, किसी ने तोड़ा आज तक? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरी जीभ को कैसे काट? लड़ते हो अपने दांतों से?
तोड़ना चाहिए ना, गलती करी ना आपके दांतों ने, पनिश करो ना उनको, उनको रियलाइज कराओ ना, जब तक वो दांत सॉरी ना बोल दे। आया समझ में किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, दांत के जी की बात नहीं हो रही है। टॉर्चर करो ना उस दांत का। नहीं जी, क्यों? क्योंकि दांत भी मैं हूं, जी भी मैं हूं, ये होता है मैं ही मैं हूं। वहां पे अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा, अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या तलाक प्यार है? अलग हो जाए, ब्रेकअप कर दे, क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ, ब्रेकअप प्यार है। कैसे? कि अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहां पे कोई चोट लगी और सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे इसको काटना पड़ेगा, इस हाथ को नहीं काटोगे तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है।